भी भाई ले आया तुम्हारे लिए चोर बाजार का व्लॉग। आज है संडे और सुबह सुबह मेरे दोस्त को कल चस्का चढ़ गया था। वो रीले चलती है ना भैंस कि हाँ चोर बाजार विजिट करो, ये करो, वो करो, मजनू का टीला, ये सब जगह। तो भाई उसको चस्का चढ़ गया कि ना चोर बाजार जाएंगे और कुछ लेके आएंगे। लेके क्या आएंगे, उसकी गांड में ये कीड़ा काट रहा है कि ना व्लॉगर बनेगा, वो व्लॉगर बाइक पे व्लॉगिंग करेगा। देखा देखी भैंस। तो आया हूँ उसको लेने, सुबह सुबह उठा दिया उसने। वैसे तो मैंने उसको 6:30 बजे का बोला था कि 6:30 बजे चलेंगे, मैं बस 6:30 बजे चलेंगे। तेरी जहां में लग गया है तो आ गया बोल रहे भाई, आके खड़ा हुआ है पहले से। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें अपने दोस्त से, मेरे जिगरी यार है वो सड़क वो निकल। अब तब होता है चीजों से, अरे सॉरी खोलना भी पड़ेगा। हाँ अभी रोहित लड़ू क्या हाल है मेरे भाई, वो सड़ी के थोड़ी वही मोड़ ले तो जूती है वो बैठ के पहन के लोड़े हाथ पे लगी हुई है ना मेरे। अरे मत करा कर, वो सड़ी के वीडियो डाल रहा हूँ ऊपर से ये वाली। अबे भाई कंटेंट आएगा तू। ओए होए 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 बहन चूत पनौती आगे कैमरे में। कहाँ से जाना है सीधा? अबे यहाँ से मोड़ लेता ना, चल ले ले सीधे आगे से रास्ता है ना। हाँ कितनी देर का रास्ता दिखा रहा है ये बता। क्या देख रहा है यहाँ भी चलता है ओटीपी। हाँ एक ओटीपी वेबसाइट है ना वो। हाँ चलते कैमरा लोगे? कैमरा सारे ओटीपी नहीं, ओटी है वो। ओटीपी है, ओटी है, ओटी वो ठीक है। अबे ओटीपी मेरे फोन में जो आता है वो वाला ओटीपी है। गलत नहीं साबित होने देना अपने आप को, अगर तुम गलत हो भी तो जिंदगी में। इसको देख लो घर वालों ने गलती करी है। ये ज्यादा बोलता नहीं है भाइयों, बस अगर तुम इसको गाली दोगे ना तो बस ये गाली दे देगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेगा। अभी कुछ नहीं बोल रहा ना रोहित बुड़वा। अरे नहीं दी गाली, अरे रोहित मेरे लंड पे अभी भी नहीं दी। चल भाई नहीं भाई, ये मेरा जिगरी यार है भाई। मैंने ये देखा है भाई जिंदगी में ना, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा पर एक जिगरी यार तुम ऐसा बनाओ कि तुम्हारी फटी हालत पे, अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे हमेशा साथ रहे। भाई 1.5 साल पहले ना मैंने वीडियो वगैरह बनाना शुरू करा था इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह। भाई मेरे खास दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था मेरा, चूतिया समझते थे, समझते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा मन था मैंने बनाई, मैंने करा। ये अकेला बंदा बहन जो संडे को सुबह सुबह 6 बजे फोन करता था, मैं इसको जिम की चाबी लेके भाई वो रास्ता होता ना लोकेशन है, इस अकेले बंदे को फोन करता था मैं कि भाई आ जा यार वीडियो वगैरह बनानी है। एक दिन पहले कॉपी में लिख के रख लेता था, सोचता था भैया कंटेंट वगैरह लिख दूंगा, कंटेंट राइटर बन के वीडियो बनाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। पर यार फिर धीरे धीरे, पर ये अकेला आता था भाई बंदा बनाने, जिंदगी भर याद रहेगा ये मेरे को, चाहे कितना भी 1 लाख बंदे ही क्यों ना देखे, मिलियन तो ज्यादा ही बोल रहा था अपनी शक्ल के हिसाब से तो यार। पर हाँ ये चीज है यार, इस इंडस्ट्री में ना भीड़ बहुत हो रही है यार। मैं इसको देख रहा हूँ कि हर दूसरा बंदा हर दूसरे बंदे की नजरों में आ रखा है, जो जो जॉब करता है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, उसकी नजरों में आ रहा है कि हाँ भाई इस इंडस्ट्री में पैसा है कि ना कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, कुछ करना तो है नहीं ज्यादा, फोन उठाओ, वीडियो बनाओ, फेमस हो जाओ, लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे, फोटो फोटो खिंचाएंगे। इसलिए ना इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा भेड़ चाल आ रखी है। बट मेरे को ये भेड़ चाल नहीं लगती। देखिए कुत्तों को हैं जो स्कूटी पे 10-10 बंदे बांध रहे हैं, पर मेरे को भेड़ चाल नहीं लग रही भाई मेरे लिए, क्योंकि यार मैं कर ही क्या रहा हूं। मैं को ये चीज जो बातें कर रहा हूँ ये लिख के थोड़ी बातें कर रहा हूँ, पहले कि मैंने सोचा इसको, लिखा कॉपी में, नोट्स बनाए, उसके बाद जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे लिए ऐसे नहीं है, मैं रहा हूं बिल्कुल रॉ। बस यही था कि पहले शांत रहते थे अपने यार दोस्तों में, बातें करते थे तभी भी यही बातें करते थे, उल्टी सीधी मजे लेते थे ऐसे ही,
पर ये थोड़ा डर रहता था कि घर वालों से छुपके उके करते थे ये। अब भाई अब चीजें देख रहा हूँ कि बहन जो हम तो इनसे ज्यादा कर सकते हैं जो आजकल के लोग आए हैं, और ये वीडियो बना के इनसे पैसा भी कमा रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। तो मैं कहा चलो क्या बात है, हमारा क्या इतना एफर्ट डल रहा है, अपना काम धंधे वाले बंदे हैं। ये भाई भी जॉब करता है, गुड़गांव में जॉब करता है ना, सो मालिश वालिश करता है। क्या करता है भाई? क्या करता है भाई बता दो थोड़ा सा। एजुकेशन लाइन में जॉब करता है। एजुकेशन लाइन में खुद एजुकेटेड नहीं है, तीसरी में फेल हुआ था। अरे ये तो मैं ओए ठोक के तो मैं उसको चला गया था। तो ये भी जॉब करता है भाई, मैं भी जॉब करता हूँ, अपनी इंडस्ट्री अलग है। पर इस भाई का भी मन है वीडियो वगैरह बनाने का, तो चोर बाजार जा रहे हैं, तो मैं दिखाते हैं दो चोर बाजार विजिट करते हैं तो कैसा रहता है। घर वालों ने बोला कि अब वहां पे जाना नहीं चाहिए, ये सब वो दिक्कत हो जाती है, वो चोरी वोरी हो जाती है। भाई चोरों की जेब क्या चोरी करेंगे, एक साल वो जेब में चाबी रखी हुई है, चाबी मारूंगा मुंह पे। तूने जीब में ब्लेड रखी है ना? हाँ रखी है। ये ब्लेड ब्लेड फेर देगा। ये क्या डॉट डॉट आ रखी है शीशे पे ना, देखना विजिबिलिटी कम है। तो अभी जा रहे हैं यार, रास्ता दिखा रहा है ये 35 मिनट का। 35 मिनट बाद मैं वीडियो दोबारा चालू करता हूँ, जैसे हम पहुंच जाएंगे कहीं तुम्हें अपनी शक्ल देख के ही तुम्हारा टाइम पास ना करवा दे। वैसे तुम देखोगे नहीं ज्यादा, मैं जो एक दो बंदा देखता है तो उसी को ये बोर नहीं करना चाहिए भाई। वहां पहुंच के दिखाते हैं तुम्हें। सुना है वहां पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर अगर इस शरीर में भी अगर बंदे बोले कि वीडियो नहीं बना सकता तो बेफालतू बेकार है ना जिम विम करना, है ना। ये भी तगड़ा है, तगड़ा है ना तू। अजय मेरे लंड मार गया। चलो मैं कुछ खा कू क्या है नहीं खा लेना, मेरे को भी उठा दिया सुबह सुबह, सो रहा था आराम से, रात को मुट्ठी मारी और सोया खुशी खुशी। अबे पहले तो वहां जाएंगे नहीं तो साला वो बंद हो जाएगा, तो उठना बेकार हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट जाना है ठीक है। फिर वहां पहुंच के 35 मिनट दिखा रहा है, वहां पहुंच के स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ओके 7 मिनट की होगी। जी है चोर बाजार आ गए हम, ये पीछे है जामा मस्जिद अपने। गाड़ी पार्क कर लिया है पार्किंग में, तो बता दो ना कि जामा मस्जिद के साथ में और थाना भी है। भी है मैं मुंह में लड़ दे दूंगा थाना। हमारे पुलिस वाले हमारी रक्षा करेंगे। सारे लोग देख रहे हैं इतना स्मार्ट लड़का है यहाँ से आ गया। चलो पहुँच के स्टार्ट करता हूँ वीडियो। हाँ भैया एंट्री कर लिए चोर बाजार में, रुको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। बैग क्या लेके करेगा, इतना सामान ले लेगा कि बेंच बैग में डालना पड़ेगा। कैमरा लेगा ये बेंच, जैकेट जुकेट ले ले सर्दियों के लिए। मेरे को लगता है यहाँ बेंच वो चीज़ें ना ठस्से में मिलती हैं, ऐसे तो लगा नहीं रखा होगा, ये तो नॉर्मल बाजार है। चलती है ले ले घड़ियाँ, ले ले घड़ी ले ले। मस्जिद मस्जिद चश्मा ले ले। शरबत ले ले, यहीं से बैग खरीद ले जो इतना सामान डालेगा, ले ले कच्ची ले ले अपने लिए, हर 2 मिनट में गीली हो जाती है। भाइयों यहाँ मिल रहे हैं कैमरे भर भर के, ये
ये मिल तो रहे हैं कैमरे, पर भाई ऐसी चीज़ों पे ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बहन से पता चले तुम 2-3 हज़ार रुपये लगा के वो भी छोड़ दो, इससे बढ़िया भाई थोड़ा टाइम लगा लो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे वैसे जमा कर लो, और EMI तो होती हैं तो EMI से मंगवा लो। ये सब चीज़ें मैं प्रेफर नहीं करता बिल्कुल भी। मेरे दोस्त की गाने में फुल मची थी कि नहीं 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 लेना है लेना है लेना है। मैं भाई भाई बाकी तेरे पैसे हैं, तू बहन चो कोठे पे उड़ा कहीं भी उड़ा, मेरे को उससे क्या मतलब। मैं तो समझा ही सकता हूँ भाई दोस्ती के कारण। चलो अब एक आधा कैमरा चेक करके सही लगेगा तो ये ले लेगा, बाकी बताता रहूँगा। ये बहन चो वो वीडियोस में तो साला 2-3 हज़ार रुपए के बेच रहे होते हैं, यहाँ पे वही बहन चो 28-30 हज़ार रुपए का रेट बता रहे हैं, इससे बढ़िया बाहर से ना ले ले। ये बंदे यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, ये बहन चो मेरे दोस्त को भी चस्का चढ़ा हुआ है, बोल रहा है कुछ तो अब आए हैं तो लेके जाना ही है जाना है। मैं तो भाई प्रेफर नहीं करूँगा कभी लाइफ में बहन चो, कपड़े तो कपड़े उतरन होती हैं ये गंद बहन चो, इससे बढ़िया ऑनलाइन वगैरह ले लो। जो अगर तुम्हें कैमरा वैमरा चाहिए EMI पे ले लो, अगर वो है तो पैसे नहीं है तो। अगर EMI पे नहीं लेना पसंद करते तो एक काम करो कि थोड़ा टाइम रुक जाओ इन सब चीज़ों के लिए, पैसे वैसे कमाओ बहन चो, मेहनत करो, उसके बाद खरीद लो। क्या बहन किसी चोर हो यार, ये वो यार वो यार, नहीं चाहिए भाई, मेहनत करो पैसे कमाओ इन्जॉय लो। तो हाँ भाई देख लिया चोर बाजार। तो यहाँ पे ना यार दो तरीके के बाजार लगते हैं, एक तो नॉर्मल जो फ्ली मार्केट होती है जो वीर बाजार मंडे बाजार वगैरह लगता होगा आपके घर के पास भी लगता होगा, एक वो मार्केट होती है और एक चोर बाजार लगता है। ये आई थिंक सुबह सुबह जल्दी लगता होगा वो। यार यहाँ पे कुछ वो है नहीं जो रीलों में दिखाते ना, 2-3 हज़ार रुपए की चीजें, कुछ नहीं है भाई, 28-30 हज़ार रुपए की चीजें है। ये भाई ने लिए है 2 पजामे लिए हैं और दिखाई और क्या लिए भाई, और लिए खजूर, कह रहे हैं भाई मार्केट से सस्ते मिल गए भाई को ना, ये खजूर के इतने डब्बे लिए हैं। कितने का लिए भाई? 150 का एक है, 4 लिए भाई ने तो खजूर वजूर लिए हैं इसने। अब चलते हैं भाई घर की ओर। तो यार अगर तुम्हें भी बहन चोर वोर बाजार का चस्का चढ़े ना यार, मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैं तो नहीं प्रेफर करता कि भाई चाहे थोड़े टाइम बाद ले लो, पैसे जोड़ के ले लो अगर नहीं है तो, जरूरी नहीं है कि बहन चो सबके पास पैसा हो, बट वहां से ले लो भाई, क्योंकि ना ये सब चुतिया बनती मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे पास ना भाई पैसे वैसे होते थे, मेरे को कोई कमी हुई नहीं है आज तक, बट फिर भी मेरे को दोहरे चढ़ते थे थोड़े थोड़े टाइम में कि यहां से ये चीज वीर बाजार से ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ऐसे जुगाड़ कर लूंगा, कभी जरूरी हुई हो ही नहीं मेरे को। डिस्काउंट नहीं मिलेगा पर ना मेरे को थोड़े थोड़े टाइम में दोहरे चढ़ जाते थे कि भाई ये बाजार से ले लूंगा सामान तो, और जितनी बार मैंने सामान लिया ना हमेशा चूतिया ही सामान निकला है। जितनी बार लिया मैंने ये हरकत करी है ना, एक बार वो भाई ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगे ना तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारा जी ललचा जाएगा कि बहन चो ले लो, पर लेकिन अपने आपके मन को पूरा वो बना के रखो कि नहीं लेनी भाई, हर चीज में चूतिया बहन चो, कपड़े तो कपड़े उतरन होती है यहाँ पे। एक बार वो परफ्यूम लेने का चस्का चढ़ गया था, वहां गया था मैं शीश के गुरुद्वारे, उसके बाद वहां पे परफ्यूम लिया था भाई, अंदर से वो निकला था गुलाल की खुशबू, बढ़िया परफ्यूम था, फॉग वगैरह जो भी यूज करता था, मगर 150 रुपए के 3 मिल गए, क्या दिक्कत है, मैप में डाल दी मेरे भाई। क्या हो गया, आग लग गई, ये फायर ब्रिगेड मेरे अंदर की आग बुझा पाएगी तो बुझा देगा ये है ना बहन चो, मैं तो यही कहूंगा कि इतना बढ़िया पैसे वैसे कमा के चीजें खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मिलता बहन चो तुम भाई, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी ना तो तुम्हें जरूर मिलेगा, तो तुम्हें बहन चो आईफोन 14 प्रो मैक्स भी मिल जाएगा। कितना दिखा रहा है भाई, बड़ी वो गलियां है, बंद बंद दिखाता हूँ गली।
चेक कर पड़ जा ओए। यहाँ बहन तो गोश्त वोश का पता नहीं, भैंस वैंस का गोश्त सब कुछ मिल रहा है। मेरे तो यहाँ कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, यहाँ पे भूख लग रही थी, पागल लग रही ना, भूख प्यास लग रही थी। मैं कोई नहीं भाई, थोड़ा सा बाहर निकल के ना अच्छी जगह पे बैठ के ढंग से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खाने का मन नहीं कर रहा साला, चीजें भी तो इतनी महंगी महंगी दे रहे थे, यहाँ पे आते तो बाजार वाले नॉर्मली मिल जाए। रोहित तो मैं एक बात बताऊं तेरे को, रोहित एक बात बता मेरे को, तू ज्यादा बोलता बोलता तो नहीं है, मुझे पता है सालों से रहता हूँ तेरे साथ, तू बहन से जो वीडियो बनाएगा उसमें क्या करेगा, तू जगह दिखाएगा सिर्फ। सॉरी भाई स्टोरेज फुल हो गई थी, पुअर पीपल है ना। रोहित थोड़ा इधर होके बैठ जाना। तो मैं कहाँ पे बात कर रहा था, मैं कहा यार तू बहुत ज्यादा बोलता बोलता तो है नहीं, तू वीडियो में क्या करेगा, क्या बोलेगा? अबे वर्कआउट करेंगे भाई, उसको वर्कआउट बताएंगे, वर्कआउट दिखाएंगे। वर्कआउट बताएगा? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसकी बॉडी तो बनी नहीं है, क्या बनवाएगा दूसरे की बॉडी भाई, वो बोली थोड़ी ना अपनी खुद की। अच्छा अपना वर्कआउट करके दिखाए। अच्छा वो आजकल का रिवाज चला जो 72 डे चैलेंज वाला, वो वाला करेगा, चल सही है। तो उसके लिए तेरे को कैमरा लेने की जरूरत पड़ रही है? भाई फोन का अच्छा नहीं था यार। साले अभी फोन लिया है, कौन सा फोन लिया भाई? फोन है पोको, फोन इसने ऐसा लिया कि बहन जो पोको का मालिक भी पोको का फोन नहीं चलाता, वो उसका खुद आईफोन होगा, नाम ही पहली बार सुना पोको। चलो भाई कुछ कहीं खाने वाने रोकेंगे तो बताएंगे तुम्हें, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देख लिया तुमने चोर बाजार, तो अब नाश्ता करने आ गए भाई यहाँ पे जेल रोड पे अंबरसरिया, याद रहे यहाँ करेंगे वो क्या कहते हैं उसको, कुलचा, अमृत अंबरसर कुलचा, और पीऊँगा मैंगो लस्सी भाई, बहुत ही टेस्टी होती है। और मैंगो लस्सी कुलचे आ रहे हैं, कुलचे भी दिखाऊंगा तुम्हें, ये सबसे बहुत बढ़िया लगती है। सेक्स ओके भाइयों, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अब जाऊँगा घर खा के आराम से, फिर मामा के घर जाना है यार, सोने का मन था मेरा पर लेकिन घर वाले ने बोल दिया कि नहीं मामा के घर जाना है, जाना पड़ेगा भाई, मजदूर है भाई, ड्राइवर है, लेके जाना पड़ता है मम्मी को। ओके okay.